हाय फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक लेके मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपका पोट्रीमोक्सोजोल टैबलेट आईपी। तो ये एक बहुत ही बड़ा एंटीबायोटिक टैबलेट है जो कि आपके गामा पॉजिटिव गामा नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है। इसको बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है, और दूसरी बात है इसको आपको जो बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ये पोट्रीमोक्सोजोल टैबलेट आपको मार्केट में ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएगा, एक्सेप्ट आपका भूटान में शायद नहीं मिलता है ये, ठीक है। तो ये पोट्रीमोक्सोजोल टैबलेट दो मॉलिक्यूल से बनता है। पहले मैं ये मॉलिक्यूल बता देता हूँ, उसके बाद इसका ये किस तरीके से काम करता है, इसका यूजेस क्या है, कितना इसका डोसेस है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, और जो डेंजरस साइड है वो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करने का पहले स्वागत है आपको मेरा इस डीआर टीवी चैनल में। दोस्तों, मैं हूँ सुदीप, आपका दोस्त। तो आज जिस टॉपिक लेके मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि है बहुत ही सस्ता एक एंटीबायोटिक जिसको कहा जाता है पोट्रीमोक्सोजोल टैबलेट, जो कि आपको मार्केट में एनी टाइम अवेलेबल मिल जाएगा। मेरा पास जो ब्रांड है वो है आपका सेपमैक्स, ये ग्लैक्सोसाइमेथिकन का है, और इसका और एक ब्रांड आता है जो कि है आपका सेप्ट्रॉन बोल के, जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। सेप्ट्रॉन टैबलेट आप लोगों ने सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं तो कि ये पोट्रीमोक्सोजोल जो मॉलिक्यूल है ये बनता है दो मॉलिक्यूल से, एक का नाम है आपका ट्राईमेथोफिन और दूसरा है आपका सल्फोमेथोक्सोजोल, ठीक है। तो जो ट्राईमेथोफिन है वो है आपका 160 mg जो कि इंडियन पैथोलॉजी में है, और सल्फोमेथोक्सोजोल है आपका 800 mg में है। तो दोस्तों, ये जो दोनों मॉलिक्यूल मिलके बनता है पोट्रीमोक्सोजोल टैबलेट, जो कि आपका गामा पॉजिटिव गामा नेगेटिव दोनों के ऊपर बैक्टीरिया के ऊपर ये इसका काम करते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि ये किस तरीके से काम करता है। तो ये लेने के बाद में जो स्टोमक में जाने के बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद ये स्टोमक से टोटली एब्जॉर्ब कर लेता है अपना बॉडी, ठीक है, और 1 से 2 घंटे के अंदर जो हमारे ब्लड सेल है वेन के अंदर उसमें ये प्रेजेंट रहता है, और ये अपना काम बैक्टीरिया के ऊपर अपना काम करने के बाद पेशाब के माध्यम से 50% ट्राईमेथोफिन और 30% आपका सल्फोमेथोक्सोजोल निकल जाता है शरीर से, ठीक है। तो इसका बहुत बढ़िया एक रिजल्ट है, और ये जो है इतना सस्ता होने के कारण बहुत सी, मतलब जैसे अफ्रीका बोलिए, अफ्रीका टाइप का इस सब का जितना भी कंट्री है, ये सब में आपका जो बच्चे के ऊपर जो ट्रीटमेंट होता है एचआईवी के ऊपर, उसमें भी आपका पोट्रीमोक्सोजोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक सस्ता बहुत बड़े ब्रांड है, और इसका और एक चीज़ है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर काम तो करता ही है, और उसके बाद भी इसको जो घाव वगैरह होता है, जो मैंने देखा है अभी तक जो देहात एरिया होता है, जो आदिवासी एरिया व जितना गांव एरिया जहां पे उतना फैसिलिटी नहीं होता है दवाई का डॉक्टर का, तो उस एरिया में जिस जहां पे आपका ये पोट्रीमोक्सोजोल मिलता है तो उन लोग क्या करते हैं, इसको टैबलेट को पाउडर बना के घाव में भी इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चे लोग का घाव हो जाता है पैर में, या फिर कहीं पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें भी ये प्रैक्टिकली एक अच्छा रिजल्ट इसको मिलता है। लेकिन ये कोई भी आपका ब्रिटिश पैथोलॉजी बोलिए, इंडियन पैथोलॉजी बोलिए, या यूएसबी पैथोलॉजी बोलिए, कोई भी पैथोलॉजी में ये थ्योरिकली लिखा नहीं है कि इसको आप टैबलेट को पाउडर बना के भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली ये दिखाया गया है कि ये टैबलेट को अगर आप इस्तेमाल करते हो टैबलेट को पाउडर बना के घाव में, तो इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, इसका जो MRP है, MRP में मैं आपको बता देता हूँ, इसका MRP है आपका 11.09 रुपये, यानी 10 रुपये लगभग है, तो 10 टैबलेट का होता है। तो इसका डोजेस क्या है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसके यूजेस कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो पोट्रीमोक्सोजोल टैबलेट आपको किसी भी तरीका का पेशाब रिलेटेड, यूरिन रिलेटेड जितना भी इन्फेक्शन होता है उसमें आप यूज़ कर सकते हो, ब्रोंकाइटिस में यूज़ कर सकते हो, साइनोसाइटिस में यूज़ कर सकते हो, निमोनिया, हुपिंग खोखी जिसको बोलता है, कॉफ, हुपिंग कॉफ यानी कि जिसमें साउंड होता है, ये हुपिंग जैसे एक साउंड होता है उस तरीके का एक खोखी होता है, कॉफ होता है, तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम हो, किस तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसमें आप कर सकते हो, गोनोरिया में इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अंडाकोश का जो पेन होता है उसमें इन्फेक्शन होता है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, नाक का, कान का, गला का, जितना भी आपका वायरल बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है उसमें, टाइफॉइड में यूज़ कर सकते हो, कॉलेरा जो होता है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, चमड़ा का कोई भी बीमारी हो, आपको खुजली वगैरह, बैक्टीरियल इन्फेक्शन रिलेटेड घाव वगैरह कुछ में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
और अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ इसका डोजेस क्या है, जो बड़ा है इसको तो मैं पहले तो एक साल तक तो बच्चे के लिए मैं कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ, तो उसके लिए डॉक्टर से आपको बात करना पड़ेगा। उसका उम्र का एक साल का ऊपर का जो भी पेशेंट है, जैसे आपका 18 वर्ष का अगर उम्र का अगर 18 वर्ष अगर अपर आपका कोई भी पेशेंट है, तो उसके लिए आपको 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट रात को लेना पड़ता है। जो चाइल्ड है उसका 6 साल से 12 साल का उम्र तक उसको 1 टैबलेट दिन में 2 बार लेना पड़ेगा, ठीक है। 6 महीना से 6 साल तक नीचे जो बच्चा लोग होता है उसके लिए तो सबसे बढ़िया होगा कि आप डॉक्टर से बात करके ये दवा ले सकते हो। तो बहुत बढ़िया ये एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो डोसेज है वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके या आपको केमिस्ट से कंसल्ट करके आप उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ा आदमी सुबह एक नॉर्मली रात में एक तो लेता है। अगर कोई भी साइड इफेक्ट आपको दिखाई देता है किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है आपका उल्टी आना, उल्टी उल्टी जैसे आपको लगना, ठीक है। मुंह में घाव होना, घाव मतलब पूरा एकदम बड़ा घाव नहीं, छोटा सा कोई भी घाव, ठीक है। चमड़ा में कुछ तरीके का इन्फेक्शन, लाल धब्बा हो जाना या फिर खुजली वगैरह होना, इस टाइप का। तो इस टाइप का होने से आप इसको ना ले तो बेहतर है, ठीक है। उसके बाद लेटरिन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके का प्रॉब्लम में आप इसको ना ले तो बेहतर है। उसके बाद किसी कभी कभी सर दुखता है किसी को, किसी को फिर कान में एक साउंड जैसे होता है भों भों साउंड जैसे, इस तरीके का अगर साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, और नहीं तो नेचुरली इसके उतना बड़ा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर इससे भी पूरा बड़ा साइड इफेक्ट हो जाए आपको, तो तुरंत आपको इसको बंद करके डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। नॉर्मली इसका साइड इफेक्ट बहुत रेयर ही दिखाई देता है, ठीक है, ये हर किसी को सूट करता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैं आपको बताने वा रहा हूँ इसका डेंजरस साइड क्या है, ठीक है। अगर आपको सल्फर में कोई एलर्जी है, सल्फर रिलेटेड कोई भी आपको चीज़ में अगर आपको एलर्जी है, तो आप इसे ना लें, एकदम ही ना लें, ठीक है। और इसको जो प्रेग्नेंट महिला है या फिर अपने बच्चे को दूध दे रहा है, इस तरीके जो औरत है, उनको ये कोट्रिमोक्सिजन नहीं चलेगा, और एक चीज़ में नहीं चलेगा, जो कि आपका कोई भी इंसान हो, पेशेंट हो, जो भी है, जो बच्चा हो, जिसको आपको मतलब विटामिन का कमजोरी, जिसमें प्रोटीन का कमजोरी होता है, कमजोरी के बगैर से मतलब एकदम दुबला पतला हो गया, मतलब जैसे हॉस्पिटल रेस्ट वगैरह हो जाता है, इस तरीके का अगर पेशेंट है तो उनको कोट्रिमोक्सिजन नहीं चलेगा उनके लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया कोट्रिमोक्सिजन कौन कौन मॉलिक्यूल से बनता है। एक है ट्राइमेथोरफिन, एक है सल्फामेथॉक्सिजोल टैबलेट से, एक मॉलिक्यूल से ये कोट्रिमोक्सिजन बनता है। बहुत सस्ता एक एंटीबायोटिक है, मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। बड़ा आदमी से छोटा बच्चा सबको ही ले सकता है इसका। बड़ा आदमी का डोसेज होता है 1 टैबलेट बिफोर फूड, 1 टैबलेट बिफोर नाइट, ठीक है। तो छोटा बच्चा है तो उसको आपको हाफ टैबलेट सुबह, हाफ टैबलेट आप रात में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर उससे भी छोटा बच्चा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है बैक्टीरिया के ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो आपको यूरिन इन्फेक्शन हो, ब्रोंकाइटिस हो, साइनोसाइटिस हो, या फिर आपका नाक कान गले का जितना भी प्रॉब्लम होता है उसमें, गोनोरिया में, टाइफॉइड में, कॉलेरा में, ठीक है, चमड़ा का कोई भी प्रॉब्लम हो इस साइड में, इस तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो दोस्तों आप कोट्रिमोक्सिजन यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको एक टैबलेट लेने के बाद आपको थोड़ा सा भी साइड इफेक्ट, कुछ भी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है, चक्कर आ रहा है, उल्टी वगैरह आ रहा है, लेटरिन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, चमड़ा में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो दोस्तों आप इसको अवॉइड कर सकते हो, या फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, या ठीक है दोस्तों। तो आप खुद से इसको कंटिन्यू मत करो। और दोस्तों इसको आपको अच्छा, अगर आप लेने के बाद अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिले, अगर आप सेटिस्फाई हो कि नहीं ये एंटीबायोटिक मेरा काम किया है, तो मैं इसे किसी और को दे सकता हूँ। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसे किसी को प्रिफर मत कीजिए, किसी को मत बोलिए, सजेस्ट मत कीजिए कि आप ये खाइए, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हो सके कि आपका सूट किया हुआ दवाई किसी और को सूट ना भी करे, ठीक है। अगर एक्सपायरी हो गया तो दोस्तों मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसे जहाँ तहाँ ना फेंकें, ठीक है। अगर फेंकना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो हर टैबलेट आपको निकाल के उसको अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है, और नहीं तो आप इसे हॉस्पिटल में दे सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आप लोग को अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर टीवी। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ओके। आशा करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे दोस्तों।